महापारा महापारा साथ किसी को भी नहीं। तो फिर किसे दिखा रहे हो ये नाटक? ये नाटक नहीं है, मैं वाकई दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है महापारा। एक और साजिश? तुम फिर कोई साजिश करने आए हो ना? साजिश? हाँ साजिश, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी। चाल? महापारा वो तो सुहेल भाई। छोड़ दिया तुम्हारे सुहेल भाई को, जाओ और जाकर अपने बाकरदार भाई की आरती उतारो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। महापारा देखो, ऐसे ऐसे क्यों? ये सब भी क्या करप्ट लड़कियां बोलती हैं? चलो मान लिया कि मैं ठीक लड़की नहीं। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो तो मुझे दो, लेकिन प्लीज ऐसे मत करो। तुम ये शादी मत करो, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। चुप! बिल्कुल चुप। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। सकीना, ये इतना सामान कहाँ से लेकर आई हो? राज भाई के कमरे के नीचे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। अरे तुम्हें कहा भी है कि राहत की मौजूदगी में उसके कमरे में मत जाया करो, उसे गुस्सा आ जाता है। बाजी वो कमरे में नहीं थे, तभी तो गई थी। ठीक है रखो जाकर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जल्दी आ गए, राहत नहीं आया आपके साथ? राहत? वो तो आज ऑफिस आया ही नहीं, बल्कि मैंने तो उसे कल शाम से देखा ही नहीं। ऑफिस नहीं गया? नहीं, और कल भी वो खासा बुखलाया हुआ था, परेशान सा लग रहा था, सुहेल और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो आपने क्या कहा उसे? जाहिर है मैंने कहा कि फरी को देखने गया हूं। तो वो हाजरा की तरफ गया था क्या? शायद वहीं गया होगा। क्या तुमसे नहीं मिला? आपको उसे वहां नहीं भेजना चाहिए था। क्या कह रही हो तुम? मॉम का बस चले तो रायत को घर पे कैद कर ले। तुम रायत की बात छोड़ो बेटा,
अपनी बात करो, हमें ये घर कब खाली करना है? मुझे ये घर नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। वो पेपर्स तो मैंने कब के फाड़ भी दिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ। I mean, सब कुछ मेरा ही तो है ना।